Hey guys, Assalamualaikum. I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel. तो जी आज मैं आई हूँ न्यू रेसिपी के साथ जिसका नाम है बॉक्स पैटीज, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ईजी तरीके से बनकर तैयार होती हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें स्टार्ट करते हैं. यहाँ जी पैन में मैंने ऑयल लिया, देन उसको अच्छे से गर्म किया. देखिए मैं जैसे चेक कर रही हूँ कि ठीक से गर्म हुआ है कि नहीं, तो बिल्कुल परफेक्ट ऑयल गर्म हुआ है. देन मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ और इस तरह हमें जी चम्मच चलाते ही रहना है, अच्छे से इसको कलर देना है, एक अच्छा कलर देना है. और देन उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे. यहाँ जी मैंने हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च ली है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, एंड देन हाफ पे ज़रूरत नमक, ब्लैक पेपर, मुर्गी मसाला, एंड देन अदरक पाउडर. तो ये सब हम ऐड करेंगे एंड देन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मिक्स करने के बाद हमें इसको तकरीबन 5 मिनट तक कवर कर लेना है. तो जी 5 मिनट हो गए. यहाँ पर मैं कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, देन सॉसेज ऐड करूँगी, चिली सॉस, सोया सॉस एंड विनेगर. ये बिल्कुल हमें कम ऐड करना है, वो इस वजह से क्योंकि अपने हिसाब से मैटर करता है कि कितना हमें डालना चाहिए, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं. तो यहाँ पर मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, वो भी अपने हिसाब से ही ऐड करना है. देन उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. ये चिकन इसका बहुत ही टेस्टी बनना चाहिए. अब जी मैं बिल्कुल इतना सा ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और फिर से इसको हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते जाना है. इसको जलने बिल्कुल भी नहीं देना. यहाँ पर जी मैंने अपनी सिस्टर को काम पे लगा दिया. मैंने कहा चलो तुम भी कुछ काम कर लो. देन उसके बाद सबसे मुश्किल काम मेरे लिए तो यही था. तो ये मैं उनसे कैबेज कटवा रही हूँ क्योंकि हमें ये भी ऐड करना है. तो हम इतना सा लेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं चीज़ ले रही हूँ और उसको अच्छे से मैंने क्रश कर लेना है. जल्दी जल्दी करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे भी जाना है. यहाँ जी मैंने पूरा सेटअप लगा दिया है और क्योंकि बैठे बिठाए ही सारा काम हो जाना है, किचन तक जाने की अब ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर जी सब कुछ रेडी है और अब हम मिक्सचर रेडी करेंगे. सबसे पहले मैंने कैबेज लेना है एंड देन उसके बाद उसी में चिकन ऐड करना है. सारा मिक्सचर हमने एक ही बाउल में बनाना है. देन उसके बाद इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी और इसमें अब जाएगी जी क्रीम. और क्रीम तकरीबन हमें हाफ पैकेट ऐड करना है. यहाँ पर जी मैंने क्रीम डालते डालते ना बिल्कुल मेरे हाथ ही दर्द करने लगे. यहाँ क्रीम निकल ही नहीं रही थी क्योंकि एक हाथ से काम करना, दूसरी हाथ से वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है भाई. निकल ही नहीं रही मुझसे. तो कोई नहीं, सिस्टर को दे देते हैं, वही निकाल के देंगी. अब देखिए जी शराफत के साथ दोनों हाथों से कितने आराम से निकल रही है ना. कोई नहीं, इसको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे. यहाँ पर जी मैं मायोनीज डालना भूल गई और सबसे इम्पोर्टेंट ही वैसे यही था. तो यहाँ पर मैं मायोनीज ऐड कर रही हूँ. ये हमें थोड़ा अच्छा खासा ऐड करना है क्योंकि इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है. हर चीज़ में जिसमें आप मायो ऐड करेंगे वो हर चीज़ अमेजिंग तैयार होती है. मैंने 2 टेबल स्पून जो है मैदा लिया है और देन उसके बाद उसमें हमें पानी ऐड करते हुए जाना है. अच्छा सा हमने इसका भी पेस्ट बना लेना है और इस तरह हमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े. ये देखें जी बिल्कुल इस तरह. जी मैंने समोसा पट्टी ली है और इसको मैंने आधा घंटा निकाल के रख दिया है. देन उसके बाद इस तरह सेपरेट कर लेना है. अब मैंने बॉक्सेस बनाने हैं. यहाँ पर मैं बिल्कुल सेंटर में मिक्सचर ऐड करूँगी और ध्यान रहे कि मिक्सचर बाहर ना आए क्योंकि फ्राई करते वक्त ना फिर ऑयल ख़राब हो जाता है. इस वजह से अब हम इसमें मिक्सचर ऐड करूँगी देन उसके बाद इसको फोल्ड करती हुई जाऊँगी. लेकिन फोल्ड यहाँ से पहले इस तरह करना है. देन उसके बाद जो मैंने मैदे का मिक्सचर बनाया था, पेस्ट जो इसका मैंने बनाया था, बिल्कुल इस तरह हमने लगाना है. ये थोड़ा मैंने ज़्यादा लगा लिया लेकिन बिल्कुल हल्का हल्का लगाना है. और अब यहाँ से इसको मैं फोल्ड कर लूँगी. देन उसके बाद ये जो मैंने लगाया है यहाँ पर भी बिल्कुल इस तरह
करके सेपरेट एंड देन फिर ये ऊपर से ये लेयर रख देनी है। सारा काम बाकी सिस्टर के हवाले करते हैं, देन मैं आपको अगले का प्रोसीजर दिखाती हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पर जी मैंने एग लिया, देन उसको अच्छे से मैंने व्हिप कर लिया, देन उसमें वॉक्स पैटीज ऐड करूँगी और इसको पूरे चार कॉर्नर अच्छे से बिल्कुल इस तरह करते हुए जाना है, कवर कर लेना है, कोई जगह रहनी नहीं चाहिए। देन मैंने ये ब्रेड क्रम्स ऑलरेडी बना के रखे थे एंड देन उसमें अच्छे से मैं कवर कर लूँगी। ऑयल भी मैंने गरम करके रखा हुआ है और ये डालते वक्त ना फ्लेम लो होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए वरना ये जल जाएगा। देन इस तरह बिल्कुल हमें फोल्ड करते हुए जाना है, इस तरह कवर कर लिया हमने, देन अब इसमें हम फ्राई कर लेंगे। I hope you guys enjoyed this video. If you did, make sure to like, subscribe this channel. I will see you in the next video. Tab tak ke liye, thanks for watching.